आउटपुट डिवाइसेस और मॉनिटर पर बात करेंगे सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या चीज़ें हैं वंस द डाटा इज़ प्रोसेस्ड जब डाटा पर प्रोसेसिंग हो जाती है इट कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट वेज़ तो प्रोसेसिंग के बाद ये मुख्तलिफ जगहों पर ज़ाहर होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहर होता है डिवाइस टेट शो और जनरेट आउटपुट और कार्ड आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस जिन पर आउटपुट नज़र आती है या जो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं आउटपुट डिवाइस उन्हें कहते हैं मोनिटर्स प्रिंटर्स एंड स्पीकर आर सम द आउटपुट डिवाइस प्रिंटर हो गए मोनीटर हो गए स्पीकर्स हो गए वो सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं सबसे पहले तो बात करते हैं मॉनिटर पर वो आपने देखा होगा आपके टीवी की तरह होता था अब तो एलसीडी आ गई हैं वो पतली सी स्क्रीन होती है जगह भी ज़्यादा नहीं लेती मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन मालूमत दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है ऑन द स्क्रीन स्क्रीन पर इट इज़ द मेन डिवाइस टू सी रिजल्ट आउटपुट के लिए यही आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है इट आल्सो नोन एज वी डी यू विजुअल डिस्प्ले यूनिट द आउटपुट विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज़ कार सॉफ्ट कापी जो आउटपुट हमें स्क्रीन पर नज़र आती है उसको सॉफ्ट कापी कहते हैं जो पेपर पर नज़र आती है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनीटर्स मोनिटर्स की भी टाइप्स हैं सी आर टी मोनीटर यानी कि ट्यूब जैसा कि टी वी होता था ये हैवी होते हैं ज़्यादा जगह लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन है जो है प्रोड्यूस करते हैं जो एल सी डी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये बहुत ही हल्के सीधे और इन्हें ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं होती इट डजन प्रोड्यूस रेडिएशन तो ये रेडिएशन भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते जो आँखों की तरफ आए प्लाज्मा मोनीटर आर रेसन डिवेलमेंट एंड शो रिचर कलर्स एल सी डी एंड सी आर डी मोनीटर्स प्लाज्मा मोनीटर्स इन दोनों से अच्छे हैं तो आज की वीडियो में हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात की और उसके बाद मॉनिटर्स के बारे में बात की सो गाना सीखंड नेक्स्ट वीडियो देन गुड बाय फॉर नाउ